हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ये चिकन मसाला ग्रेवी। एक बार आप इसे मेरे इस्तेमाल किए हुए मसाले डालकर बनाइए, सच में खाते ही रह जाएंगे। रेस्टोरेंट का चिकन भी आप भूल जाएंगे और बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में लिया है लगभग 2 चम्मच ऑयल और अब मैं इसके अंदर सूखा नारियल डालूंगी। मैंने इसके छोटे स्लाइस कर लिए थे, अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अखा धनिया और हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने इसके अंदर डाली है 3-4 सूखी लाल मिर्च, अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद एक कटोरी में निकाल लेती हूँ और मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब हम उसी पैन में डालेंगे 1 लहसुन और थोड़ा सा अदरक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है 3-4 स्लाइस की हुई प्याज, हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, हम इसके अंदर टमाटर भी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन सब मसालों को हमें बाद में पीस ही लेना है, इसलिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, टमाटर भी अच्छे से सौते हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसे अभी अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और ठंडा होने के बाद इसका भी एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने उसी पैन में लिया है 3 चम्मच ऑयल, अब मैंने इसके अंदर डाले हैं कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, हरी इलायची और अब मैंने इसके अंदर डाला है लगभग 1/2 किलो चिकन। चिकन को मैंने पहले ही साफ करके रख दिया था, अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, मतलब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन हमारा अच्छे से भून रहा है। अब हमने जो यहाँ पे प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मसाला अच्छे से पक गया है। अब हमने जो दूसरा सूखा नारियल और लाल मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों मसाले मिलकर ही तो हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने है 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कांदा मसाला, ये सब चीज़ें डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं अच्छे से क्रश करके इसके अंदर डाल दूंगी, इससे हमारे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे ढक के 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए और हमारा तेल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हमारे दोनों मसालों के कॉम्बिनेशन से ये डिश बनके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं इसे एक बार अच्छे से चला लेती हूँ और बस 5 मिनट तक हमें इसे और पका लेना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ऊपर हमारा ऑयल भी दिखने लग गया है। बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है और खाने में तो टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। ये नॉर्मल चिकन ग्रेवी से हटके टेस्ट देती है। ये मसाले ऐड करके आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।